हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और कल की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, वो था हमारे पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि एरर के अंदर एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हों वो समझ आई हों और आपको पता चला हो कि भाई किस तरीके से हमने एडिशन किया है और किस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन किया है। आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जो लैंग्वेज के साथ में आएंगी, वो प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कंसेप्ट बता देते हैं बेटा, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्या है। तो बेटा पॉइंट है हमारे पास में, ध्यान से आप लोग देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन एरर, ये है बेटा हमारे पास में कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन एरर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम करेंगे डेरिवेशंस को ड्राइव। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो है x, और मैंने आपके सामने लिखा x इज इक्वल टू a इंटू बी, x इज इक्वल टू a इंटू बी। मुझे x के अंदर बतानी है कितनी एरर होगी, x के अंदर कितनी एरर होगी मुझे ये बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ यूनिट सेम भी हो सकती है और यहाँ यूनिट डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यूनिट सेम ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये जो x आपको दिख रहा है ना, ये x को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये x को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x। a को हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बहुत ध्यान से आपको समझना है बेटा। अब आप देखिए कि हमें एरर चाहिए कहाँ, हमें एरर चाहिए एक्स में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जिस क्वांटिटी में आपको एरर निकालनी है वो क्वांटिटी आपको लेफ्ट साइड में रखनी पड़ेगी, और हमेशा उसकी पावर वन होनी चाहिए। अगर मुझे एरर निकालनी है x में, तो x की पावर एक तो होनी चाहिए हमेशा वन, ऑलवेज हमेशा x की पावर वन होनी चाहिए, और जिसके अंदर मुझे एरर निकालनी है वो क्वांटिटी अकेली लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ है x की पावर वन, तो इस x को आप लिख दोगे ऐसे, डेल्टा x अपॉन x, x की पावर 1 है, आपने इसे लिख दिया डेल्टा x अपॉन x। ये a है, यहाँ भी a की पावर 1 है, आप इसे लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a, a की पावर 1 है, तो वो 1 पावर यहाँ सामने आ जाएगी बेटा। हमेशा बीच में आएगा प्लस, ऑलवेज हमेशा बीच में प्लस आएगा। b की पावर 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, और b को हम लिख देंगे डेल्टा b अपॉन b, b को हम लिख देंगे डेल्टा b अपॉन b। तो हमारे पास में जो कंडीशन बनकर निकल कर आएगी ना बेटा, वो ये निकल कर आएगी, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ जाएंगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। ये हो गया हमारे पास में कंडीशन नंबर 1। आइए मैं आपको कंडीशन नंबर 2 बताता हूँ। भाई जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a इंटू बी, x इज इक्वल टू ए बी। अब आप जानते हो भैया x का मतलब क्या है बेटा, x का मतलब है x प्लस माइनस डेल्टा x। a का मतलब क्या है, a का मतलब है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b का मतलब क्या है, b का मतलब है b प्लस माइनस के डेल्टा b। x का मतलब है x प्लस माइनस डेल्टा x, a का मतलब है a प्लस माइनस के डेल्टा a, और b का मतलब है b प्लस माइनस के डेल्टा b। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, उसने हमें कहा कि इस बार आपको एरर बतानी है a में,
इस बार आप लोगों को जो एरर बतानी है ना बेटा, वो ए के अंदर बतानी है कि ए के अंदर कितनी एरर होगी। फाइंड आउट द एरर इन ए, ए के अंदर कितनी एरर होने वाली है, यानी यहाँ इसमें कितनी एरर होगी। तो हम एक काम करेंगे भैया, हम यहाँ से ए की वैल्यू को निकाल देंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एक्स अपॉन बी। मैंने आपसे कहा था ना कि जिसके अंदर आपको एरर निकालनी है वो अकेली वैल्यू आपको लेफ्ट साइड में रखनी पड़ेगी। ए के अंदर हमें एरर निकालनी है तो ए को अकेले को हमने लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम उधर ले गए। दूसरी शर्त ये है कि इस ए की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ए की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। जिसके अंदर आपको एरर निकालनी है वो अकेला लेफ्ट साइड में होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस ए को लिखेंगे, ये जो ए आपको दिख रहा है ना, इस ए को हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, एक्स की पावर 1, 1 आ गया सामने, एक्स को हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन, हमेशा प्लस आएगा बेटा, ध्यान रखेगा, चाहे डिवीज़न में हो और चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा प्लस आने वाला है। b की पावर कितनी है, 1, 1 आ जाएगा सामने और यहाँ बनेगा हमारे पास में डेल्टा b अपॉन b। तो बेटा a के अंदर जो हमारी एरर निकल कर आएगी वो इतनी निकल कर आएगी, डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा b अपॉन b। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ रही होगी और आएगी भी, चिंता मत करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास में, कंसेप्ट इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि MIT लेवल का सवाल भी गलत नहीं होगा। आप पहले जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, फिर मैं आगे बढ़ता। ओके बेटा, चलिए वीडियो को पॉज करके ना नोट डाउन आप लोग कर लिया करो। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे पास में ये है, x इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर z। मुझे एक कंडीशन ये दे रखी है बेटा, x इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n एंड c टू द पावर z। फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर इन एक्स, हमें एक्स के अंदर रिलेटिव एरर निकालनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जिसके अंदर आपको एरर निकालनी है वो अकेली लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। हमें एक्स के अंदर एरर निकालनी है और अकेली एक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो लेफ्ट साइड में है बेटा, एक्स हमारी लेफ्ट साइड में है अकेली, और अकेली लेफ्ट साइड में होने के साथ साथ इसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। एक तो एक्स अकेला लेफ्ट साइड में होना चाहिए और इसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अब आप कैसे लिखेंगे बेटा, हम एक्स को लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब उसके बाद में यहाँ क्या 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 है बेटा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ए को हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, हमेशा बीच में प्लस आएगा। यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, हमेशा बीच में प्लस आएगा। यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी। अब आप देखिए, ये बताइए ए की पावर क्या है एम, ये पावर यहाँ सामने आ जाएगी। बी की पावर क्या है एन, यहाँ ये सामने आ जाएगी। और C की पावर क्या है Z, यहाँ ये सामने आ जाएगी। और ये जो डेल्टा X अपॉन X है ना बेटा, इसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव एरर इन X, इसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव एरर इन X। उम्मीद है कि समझ आई हो बात, और रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करनी हो आप लोगों को इसके बारे में पता चला हो। सबसे ज़रूरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, वो ये है कि जिसके अंदर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है वो अकेला लेफ्ट साइड में होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ऐसे आप लोग बड़े आसानी से, इजीली, बड़े आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करिए, हम लोग फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।
देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मेरे पास में ये कंडीशन है बेटा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। प्रॉब्लम बनी हमारे पास में ये, फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर इन जी। आपको जी के अंदर रिलेटिव एरर निकालनी है कितनी होगी। अब फॉर्मूला आपको दे रखा है और आपको ये भी बता दिया है कि किसके अंदर आपको एरर निकालनी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिस क्वांटिटी में आपको एरर निकालनी है वो क्वांटिटी अकेली लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए और उसकी पावर होनी चाहिए 1। आपको जी के अंदर रिलेटिव एरर निकालनी है तो ये जो जी है ना बेटा, ये अकेला लेफ्ट साइड में होना चाहिए और इसकी पावर 1 होनी चाहिए। अभी जी के ऊपर क्या है, अभी जी के ऊपर अंडर रूट है, आपको कुछ भी करके ये जी के ऊपर से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो हमने एक काम किया, हमने बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया। जब हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया तो ये बना टी स्क्वायर, ये आया हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी का होल स्क्वायर। हमने बोथ साइड का कर दिया है बेटा स्क्वायर। अब जैसे ही हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया, ये बन गया है टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया है 4, ये हो गया है पाई स्क्वायर, ये हो गया है एल और ये हो गया है जी। स्क्वायर से अंडर रूट फिनिश हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये बन गई हमारे पास में बात। अब आप देखो बेटा ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, आपको जी के अंदर रिलेटिव एरर निकालनी है तो इस जी को अकेले को यहाँ ले जाना पड़ेगा आपको। हम जी को अकेले को यहाँ लेकर गए, मेरे पास में बन चुका है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये बन चुका है मेरे पास में। अब आप देखो यार, हमें जो रिलेटिव एरर निकालनी है वो जी के अंदर निकालनी है, हमें जो रिलेटिव एरर निकालनी है वो जी के अंदर निकालनी है। और शर्त मैंने आपको क्या बताई, रूल मैंने आपको क्या बताया कि जिसके अंदर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है उसकी पावर एक तो 1 होनी चाहिए और वो होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। एक तो जी की पावर होनी चाहिए 1 और ये जी हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो बेटा जी को हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा जी अपॉन जी। ये 4 और पाई स्क्वायर है कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये कांस्टेंट है। एरर में कांस्टेंट को लिखा नहीं जाता है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, एरर में कांस्टेंट को लिखा नहीं जाएगा, एरर में कांस्टेंट का कोई यूज़ नहीं होता है। तो मैंने इसे हटा दिया है, देखो 4 भी कांस्टेंट है और पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो मैंने इसे हटा दिया। ये एल की पावर 1 है, ये टी स्क्वायर है, तो एल को हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। टी की पावर कितनी है 2, ये पावर जाएगी सामने, ये बनेगी बेटा हमारे पास में रिलेटिव एरर इन ग्रेविटी यानी रिलेटिव एरर इन जी। और आप ये समझिए कि एरर के चैप्टर में से अगर कोई सवाल सबसे ज़्यादा बार नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम JEE या JEE एडवांस में पूछा गया है तो वो ये है बेटा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार एरर के अंदर से पूछा गया है कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी। तो मैंने आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट सिखा दिया है बेटा, और कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके अंदर आप लोगों को परसेंटेज एरर निकालनी है या रिलेटिव एरर निकालनी है पूरे फॉर्मूले में, उस वैल्यू को रखो लेफ्ट साइड में और उसकी पावर होनी चाहिए 1। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग और देखिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। हमारे पास में फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। हमसे पूछा फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है ना बेटा, आपको इसके अंदर रिलेटिव एरर बतानी है कितनी होगी, फाइंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। चलो भाई देखते हैं कि कैसे बताएंगे रिलेटिव एरर, है तो बहुत ही आसान। सबसे पहले आप ये देखो, आपको वेलोसिटी के अंदर रिलेटिव एरर चाहिए तो इस v को अकेले को एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हमारे पास में बन जाएगा ये v² इज इक्वल टू
टू के अपॉन एम, इसकी मल्टीप्लाई यहां करी, एम से डिवाइड किया, लेकिन अभी भी काम नहीं बना है क्योंकि v की पावर 1 होनी चाहिए और यहां v की पावर 2 है। तो जब ये 2 यहां से हटाएंगे तो इधर बन जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन m। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? हमारे पास में जो बनेगा ना बेटा, यहां पर ये बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m, जिसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m, k की पावर भी 1/2, m की पावर भी 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 से होता है। अब आप देखो बेटा, हमें रिलेटिव एरर चाहिए v में, हमें जो रिलेटिव एरर चाहिए वो v में चाहिए और v में ही हमें परसेंटेज एरर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? v की पावर है 1 हमारे पास में, तो v को हम लिखेंगे डेल्टा v अपॉन v। अंडर रूट 2 क्या है? कॉन्स्टेंट, इसे हटा देंगे यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। k को हम लिखेंगे डेल्टा k अपॉन k, डेल्टा k अपॉन k, k को हम लोगों ने लिखा बेटा डेल्टा k अपॉन k। अब बताइए k की पावर कितनी है? 1/2, ये 1/2 आ गया सामने। m को हम क्या लिखेंगे? m को हम लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m, m की पावर कितनी है? 1/2, ये आ गया सामने, और बीच में हम यूज़ करेंगे प्लस का। तो ये बन गई हमारी एरर इन स्पीड या एरर इन वेलोसिटी। अब जितने कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा और उन्हें क्वेश्चंस के ऊपर ना अप्लाई करिएगा बेटा। आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर 3, बी टू दी पावर 4, सी टू दी पावर 5 एंड डी टू दी पावर 1। ये है बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर 3, बी टू दी पावर 4, सी टू दी पावर 5, डी टू दी पावर 1। हम लोगों को कहा गया है फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन एक्स। देखो बेटा, एक नई बात हमने इसके अंदर इस बार ऐड कर दी है और वो है रिलेटिव एंड परसेंटेज। रिलेटिव एरर तो हमें निकालनी ही निकालनी है, लेकिन रिलेटिव एरर के साथ साथ हमें परसेंटेज एरर भी निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे हम रिलेटिव एरर के साथ परसेंटेज एरर निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर निकालनी है? एक्स के अंदर निकालनी है। तो एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और x कहाँ होना चाहिए? x हमारा एक तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और एक x की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1। अब कैसे करेंगे हम काम, जरा ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट x है बेटा हमारे पास में, अंडर रूट x में, अंडर रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। यहां है हमारे पास में a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 4, c टू दी पावर 5 और अपॉन में है d। भाई हमें कुछ भी करके इस 1/2 को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि रूल के मुताबिक x की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। रूल के मुताबिक x की जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। जब मैं इधर से 1/2 को हटाऊंगा तो ये उधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर। ए टू दी पावर 3, बी टू दी पावर 4, सी टू दी पावर 5 अपॉन में है डी, और ये इस पूरे का बन चुका है स्क्वायर। अब देखिए जरा क्या वैल्यू निकल कर आएगी। x इज इक्वल टू यहां बन जाएगा a टू दी पावर 6, 3 टू 6, यहां बन जाएगा b टू दी पावर 8, यहां बनेगा c टू दी पावर 10, यहां बनेगा d स्क्वायर। ये बन गया।
हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया बेटा इसे। मैंने कहा, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिसके अंदर एरर निकालनी है वो अकेला लेफ्ट साइड में होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सही नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। अब आप करेंगे बेटा इसे आगे सॉल्व। कैसे करेंगे आगे सॉल्व, ज़रा देखो। एक्स को हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इसी को हम नाम देंगे रिलेटिव एरर। ये हमारी रिलेटिव एरर कहलाएगी बेटा, ठीक है। अब ए को हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, बी को हम लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, सी को हम लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी, और डी को हम लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी। हमेशा प्लस आना है, चाहे कोई ऊपर हो चाहे कोई डिनोमिनेटर में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी माइनस का यूज़ करना ही नहीं है आप लोगों को, ऊपर वालों के लिए भी प्लस का यूज़ करना है, नीचे वालों के लिए भी प्लस का यूज़ करना है। अब बताइए ए की पावर कितनी है, 6, ये आ जाएगी यहाँ पर। बी की पावर कितनी है, 8, ये आ जाएगी यहाँ पर, ओके। और सी की पावर कितनी है, 10, ये आ जाएगी यहाँ पर, और डी की पावर कितनी है, 2, ये आ जाएगी यहाँ पर। जो भी इनकी रिलेटिव पावर है वो इसके सामने आ जाएगी बेटा। ये निकली हमारे पास में रिलेटिव एरर, लेकिन रिलेटिव एरर के बाद हमें परसेंटेज एरर भी निकालनी है। अब परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी भैया, जरा देखो। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिलेटिव एरर क्या है हमारे पास में, 6 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 8 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 10 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये बेटा हमारे पास में रिलेटिव एरर थी, हमें निकालनी है परसेंटेज एरर। बस हमें एक काम करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है इसके अंदर, ये हमारी परसेंटेज एरर निकल जाएगी। तो अब देखो पूरी प्रॉब्लम हमारे सामने है। रिलेटिव एरर तो हमने निकाल ही दी थी आपके सामने, हमने यहाँ आपके सामने परसेंटेज एरर भी निकाल दी है। तो ऐसे बेटा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी टेक्निक होगी। इसके अंदर एक छोटा सा नोट पॉइंट और आता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इस पर हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए बच्चों, देखिए एक छोटा सा नोट पॉइंट और हमारे पास में है, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। नोट पॉइंट हमारे पास में ये है, x इज इक्वल टू ए टू दी पावर x, बी टू दी पावर y, सी टू दी पावर z। मान लो कि हमें ये कोई फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल टू ए टू दी पावर x, बी टू दी पावर y, सी टू दी पावर z। आपको गिवन क्या क्या दिया है जरा देखिए आप। आपको गिवन दिया है डेल्टा ए परसेंटेज, आपको गिवन दिया है डेल्टा बी परसेंटेज, आपको गिवन दिया है डेल्टा सी परसेंटेज, ये आपको गिवन दिया है ऑलरेडी। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड डेल्टा एक्स परसेंटेज, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एकदम से, कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर डायरेक्ट आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है ना बेटा, तो एक्स की पावर देखो क्या है, 1 है या नहीं है, तो सीधा एक्स को लिख दो डेल्टा एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू ए की पावर क्या है, ए की पावर है हमारे पास में, ये कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, ए की पावर है एक्स, तो इसे आप लिख देंगे एक्स डेल्टा ए परसेंटेज प्लस, एक्स को सामने लेकर आ गए और ए को लिख दिया डेल्टा ए परसेंटेज, वाई को सामने लेकर आ गए और बी को हमने लिख दिया डेल्टा बी परसेंटेज, जेड को हम सामने लेकर आ गए और इसे हमने लिख दिया डेल्टा सी परसेंटेज। ये हमारे पास में निकल कर आ गई एक्स के परसेंटेज की वैल्यू, ये हमारे सामने निकल कर आई है एक्स के परसेंटेज की वैल्यू। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा।
आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है बेटा हमारे पास में, जैसे हमारे पास में बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू दी पावर थ्री बी स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। साथ साथ हमें गिवन दे रखा है फाइंड डेल्टा एक्स परसेंटेज, और इसके अलावा हमें गिवन दिया है डेल्टा ए परसेंटेज हमें दे रखा है 4% और डेल्टा बी परसेंटेज हमें दे रखा है 2%। ये है बेटा प्रॉब्लम हमारे पास में। हमें एक्स के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है, ए का परसेंटेज दे रखा है और बी का परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो एक्स के ऊपर 2 लगा हुआ है ना, पहले इस 2 को हटाओ यहाँ से, एक्स की जो पावर 2 है इस 2 को 1 में कन्वर्ट करो। जब एक्स की पावर को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 यहाँ से इधर पहुँच जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में ए टू दी पावर 3/2। ओके, ये 2 यहाँ से इसमें पहुँचेगा, ये बनेगा 2/2, ये खाली x बन चुका है और इसे अब हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, b की पावर 1। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं बेटा। x का परसेंटेज क्या बनेगा, डेल्टा x परसेंटेज, a की पावर 3/2 है, 3/2 सामने, a को लिखेंगे डेल्टा a परसेंटेज और b का बनेगा डेल्टा b परसेंटेज। अब आप देखो 3/2 डेल्टा ए परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन है हमारे पास में 4% प्लस डेल्टा बी परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं 2%, कैंसिल आउट 2, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, द करेक्ट आंसर इज 8%। हमारे पास में एक्स के अंदर जो परसेंटेज एरर निकल कर आएगी वो 8% निकल कर आएगी बेटा। तो कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस में एडिशंस भी आएंगे, सब्ट्रैक्शन भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी आएंगे और डिवीजन भी आएंगे, यानी मिक्स अप हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जब सारे क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन हम फिनिश कर लेंगे, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की डेरिवेशंस बताऊँगा बेटा। तो पहले आप इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम करते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई ज़्यादा इशू आप लोगों को होगा भी नहीं इसके अंदर। स्टूडेंट्स अभी डेटा नहीं है हमारे पास में, कोई बात नहीं, मैं खुद से आप लोगों को प्रॉब्लम करा देता हूं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास में है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में ये है। एक्स इज इक्वल टू एम टू द पावर अल्फा, एल टू द पावर बीटा, टी टू द पावर गामा, ए टू दी पावर डेल्टा। ये हम लोगों को एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन दे रखी है बेटा ऑलरेडी। एक्स इज इक्वल टू एम टू दी पावर अल्फा, एल टू दी पावर बीटा, टी टू दी पावर गामा एंड ए टू दी पावर डेल्टा। वैसे तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन अभी रिसेंटली जे डबल ई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, हमें ये बताना है। अच्छा, गिवन क्या है हमारे पास में, हमारे पास में गिवन है डेल्टा एम परसेंटेज इज इक्वल टू ए परसेंट, उसके बाद डेल्टा एल परसेंटेज इज इक्वल टू बी परसेंट, डेल्टा टी परसेंटेज इज इक्वल टू सी परसेंट और डेल्टा ए परसेंटेज इज इक्वल टू डी परसेंट। ये हम लोगों को गिवन है बेटा, ठीक है, अभी रिसेंटली बिल्कुल पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अब कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व,
ज़रा आप लोग देखिए ध्यान से, आंसर मैं यहाँ बनाना स्टार्ट करता हूँ। भाई आंसर हमारा कुछ ऐसा होगा बेटा, x की पावर 1 है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप से, सीधा x को लिख दो, डेल्टा x परसेंटेज इज इक्वल टू, m की पावर सामने है अल्फा, अल्फा आ जाएगा सामने, m को हम लिख देंगे डेल्टा m परसेंटेज, बीटा आ जाएगा सामने और इसे हम लिख देंगे डेल्टा l परसेंटेज, गामा आ जाएगा सामने और इसे हम लिख देंगे डेल्टा t परसेंटेज, डेल्टा आ जाएगा सामने और इसे हम लिख देंगे डेल्टा a परसेंटेज। आप जानते हैं हमेशा प्लस का यूज़ करना है, पावर आगे m को लिख दिया डेल्टा m, पावर आगे l को लिख दिया डेल्टा l, पावर आगे फिर डेल्टा t, पावर आगे फिर डेल्टा a। अब आप देखें कि गिवन क्या है हमारे पास में, बेटा गिवन है हमारे पास में अल्फा, डेल्टा m की वैल्यू है a हमारे पास में, उसके बाद बीटा, डेल्टा l की वैल्यू है b हमारे पास में, फिर गामा, डेल्टा t की वैल्यू है c हमारे पास में, फिर डेल्टा और डेल्टा a की वैल्यू है d हमारे पास में। हमने मल्टीप्लाई किया और ये पूरा ओवरऑल आंसर बन गया हमारे पास में परसेंटेज के अंदर, कि x के अंदर जो परसेंटेज आने वाली है हमारे पास में वो इतनी होगी। x के अंदर जो परसेंटेज आने वाली है ना हमारे पास में बेटा, वो इतनी होने वाली है हमारी। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया गया है x इज इक्वल टू ए बी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज एरर इन x, ये है बेटा हमारे पास में प्रॉब्लम, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। लेकिन इसके साथ साथ हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दिया है a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के 0.1, और b हमें दिया है 4 प्लस माइनस 0.4। ये हमें a दिया है, ये हमें b दिया है, हमें x के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है कितनी होगी। देख लीजिए एक बार बिल्कुल ध्यान से, हमें क्या गिवन दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू है ab, a हमें गिवन दिया है, b हमें गिवन दिया है, हमें x के अंदर निकालनी है परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है या नहीं है। बिल्कुल x की पावर 1 है। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे बेटा, तो हम x को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x, और a की पावर 1, b की पावर 1, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे यार और कैसे लिखेंगे। लेकिन ये हमारी परसेंटेज एरर नहीं है, ये हमारी रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर है। तो पहले रिलेटिव एरर ही निकाल लेते हैं हम लोग, डेल्टा x अपॉन x। अब बताइए डेल्टा a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास में ये है, ये कहलाता है डेल्टा a और ये कहलाता है a। डेल्टा a हो गया है 0.1 और a हो गया है हमारे पास में 2। डेल्टा b कितना है हमारे पास में, डेल्टा b है 0.4 और b हो गया है हमारे पास में 4। a हो गया है 0.1, डेल्टा a हो गया है 0.1 और a हो गया है 2। डेल्टा b हो गया है 0.4 और b हो गया है 4। अब इन्हें सॉल्व करते हैं भाई हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 4, यानी 6/40। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन x, ये हमारी कहलाएगी बेटा रिलेटिव एरर इन x, ये हमारी रिलेटिव एरर आ गई है x के अंदर। लेकिन हमें रिलेटिव एरर नहीं चाहिए, हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए। कैसे निकलेगी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। अब रिलेटिव एरर आई है आपकी 6/40 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, इससे इसे कैंसिल आउट, ये आ चुका है हमारे पास में 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 15%। दिस इज़ द परसेंटेज एरर इन एक्स, ये हमारी परसेंटेज एरर निकल कर आएगी बेटा। ऐसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे कि
कि x के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी हमारी वो 15% आएगी। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर ही समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं आया होगा तो कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट की क्लियरिटी आप लोगों को आई ही होगी बेटा, ठीक है। ओके, आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास में, इस बार हमें दिया गया है x इज इक्वल टू a अपॉन b। गिवन क्या दिया है हम लोगों को, ये देखिए आप, गिवन हमें दिया है 1 ± 0.1 और b हम लोगों को दिया गया है 2 ± 0.2। ये हमें a गिवन दिया है, ये हमें b गिवन दिया है, हमें बताना है कि x की परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, x के अंदर परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है हमें ये बताना है बच्चा पार्टी। अब कैसे बताएंगे ज़रा आप लोग देखिए ध्यान से, x के अंदर हम परसेंटेज एरर कैसे बताएंगे, डायरेक्ट इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। मतलब एक तरीका तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो हो गया जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि पहले आप रिलेटिव एरर निकाल दो, फिर उसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर दो तो आपकी परसेंटेज एरर निकल जाएगी। और एक तरीका हो गया आपके पास में ये बेटा, कैसे, डायरेक्ट x को लिख दो, x की पावर 1 है ना, तो डायरेक्ट x को लिख दो डेल्टा x परसेंटेज, डायरेक्ट a को लिख दो डेल्टा a परसेंटेज, डायरेक्ट b को लिख दो डेल्टा b परसेंटेज। a की पावर भी 1, b की पावर भी 1, भले ही डिनोमिनेटर में हो, भले ही अपॉन में हो, भले ही फ्रैक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा प्लस ही आएगा। समझ रहे हो ना बेटा, हमने x को ये लिख दिया, डेल्टा a को ये लिख दिया, डेल्टा b को ये लिख दिया। अब डेल्टा a परसेंटेज कैसे निकलेगा, आप ज़रा देखो कि डेल्टा a परसेंटेज निकलेगा कैसे। डेल्टा a परसेंटेज निकालने का तरीका है, इसे रखो ऊपर 0.1, इसे रखो नीचे और मल्टीप्लाई करो 100 से। लो भैया डेल्टा ए आ गया 10%। ये डायरेक्ट डेल्टा ए परसेंटेज निकालने का तरीका है, एरर वाली वैल्यू को ऊपर, मेन वाली वैल्यू को नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन। अब निकालिए डेल्टा बी परसेंटेज, एरर वाली वैल्यू कितनी है 0.2, मेन वैल्यू कितनी है 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा हमारे पास में 10%। दिस इज एरर इन ए एंड दिस इज एरर इन बी, ये है हमारे पास में ए के अंदर एरर और ये है हमारे पास में बी के अंदर परसेंटेज एरर। हमें चाहिए एक्स के अंदर परसेंटेज एरर, जिसका फॉर्मूला हम पहले ही ये बना चुके हैं। सो एक्स के अंदर जो परसेंटेज एरर हमारी आएगी ना बेटा, ए की वैल्यू 10%, बी की वैल्यू 10%, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 20%। दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्स, ये होगी हमारी एक्स के अंदर परसेंटेज एरर। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो, क्योंकि आप ये समझिए बच्चों कि इस चैप्टर में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है फॉर नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम, फॉर जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम, फॉर एडवांस एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो एरर ही है। मतलब मैं चैप्टर तो पूरा ही यार बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड में जाकर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके खूब सारे क्वेश्चंस कराकर मैं सब कुछ आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एरर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जितना दिमाग आप एरर के ऊपर लगाएंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एरर से हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो एरर सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पिछले 2 लेक्चर से, जो कल का लेक्चर हमारा हुआ था और जो आज का लेक्चर हमारा हुआ है, इन 2 लेक्चर से आपको एरर के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। आपके एप्लीकेशन में, स्टडी मटेरियल में, वहाँ पूरा आपका मटेरियल, बहुत शानदार स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है टॉपिक वाइज के ऊपर, उसके क्वेश्चंस आप लोग करने स्टार्ट करें प्रैक्टिस के तौर पे बेटा, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यार इतनी लंबी क्लास तो मैं नहीं ले रहा हूँ कि आप लोगों को परेशानी हो, 40-45 मिनट की क्लास होती है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप आसानी से देख पाते होंगे। हाँ थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि
अपनी स्टडी के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर दो चीज़ों की कंसिस्टेंसी लेकर आइए। नंबर वन, एक तो अपने लेक्चर के देखने के समय को फिक्स करिए कि भाई फिज़िक्स का लेक्चर सुबह 9 बजे या 9:30 बजे हमारा फिज़िक्स का लेक्चर आ जाता है, हमें इस समय अपना फिक्स बिल्कुल फिज़िक्स का लेक्चर देखना है। एक अपना होमवर्क का जो भेजने का समय है ना, वो बिल्कुल फिक्स करिए कि शाम को 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे से पहले मुझे हर कंडीशन में अपना होमवर्क सर को सेंड कर देना है। और तीसरा, जहाँ भी डाउट आ रहा है, जहाँ भी हल्का सा भी डाउट आप लोगों को आ रहा है, तुरंत वो डाउट आप मुझसे अपना क्लियर करें। अगर इन तीन बातों को आप लेकर चलेंगे ना बेटा, तो फिज़िक्स में कभी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन बेटा हमारा NCERT से लिया गया है। प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, हमें गिवन दिया गया है डेल्टा ए परसेंटेज इज इक्वल टू 1%, डेल्टा बी परसेंटेज इज इक्वल टू 2% एंड डेल्टा सी परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। फाइंड डेल्टा एक्स परसेंटेज, हमें डेल्टा एक्स परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप चेक करिए एक्स की पावर 1 है या नहीं है। बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। और ऑलरेडी आपको पूरा डेटा भी परसेंटेज में दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को भी सीधा परसेंटेज में ही कन्वर्ट करो। आप एक्स को लिख दो डेल्टा एक्स परसेंटेज, ए की पावर 3 है, इसे लिख दो 3 × डेल्टा ए परसेंटेज, प्लस इसे लिख दो 2 × डेल्टा बी परसेंटेज, प्लस अंडर रूट सी का मतलब है सी की पावर 1/2, तो इसे लिख देंगे 1/2 डेल्टा सी परसेंटेज। अब आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए बेटा। डेल्टा एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 3, डेल्टा ए कितना है 1, डेल्टा बी कितना है 2 और डेल्टा सी कितना है 4। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं। सो डेल्टा एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 3 + 4 + 2, तो बेटा हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 9%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अब हमने आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन और एडिशन सभी चीज़ें बता दी हैं। अब समय आ गया है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का और डेरिवेशंस का। कल की क्लास में हम खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग ले जाने वाले हैं। तो कल की क्लास करने से पहले आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लें, अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर लें और हम लोगों को सेंड करें। आपका होमवर्क यही है कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को आज कराए हैं, वही एग्जाम्पल्स आप लोगों को रिपीट करने हैं बेटा। ओके, चलिए गुड डे, मिलते हैं आप लोगों से कल।